सर मैं श्रेष्ठ पांडे इक्लव 3 से, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 10,991 है और EWS रैंक 14,48 है। एंड इक्लव का रोल तो मैं मतलब सर ऐसा बता नहीं पाऊँगा। मेरे को पता चला था इक्लव 12th के जब जुलाई अटैम्प्ट हो रहा था, उसके बाद जुलाई अटैम्प्ट मेरे 96% आए थे। तब मेरे फ्रेंड जो इक्लव में ऑलरेडी था, उसकी ऑल इंडिया रैंक 2000 आई थी एडवांस में, उसने मुझे को रिकमेंड किया था। तो लास्ट में टेस्ट सीरीज़ वगैरह चल रही थी, तो मैंने इक्लव ज्वाइन किया और टेस्ट सीरीज़ दी, तो मेरे को मतलब मैं बोल्ड हो गया एकदम, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं ड्रॉप लूँगा और इक्लव से ही पढ़ूँगा, मतलब कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया और मंथन अल्फा बैच स्टार्ट किया था, वेदांतु नहीं, मंथन अल्फा बैच में जो ड्रॉपर जिनके 96% से ऊपर है या एडवांस क्लियर है, तो उनको एडमिशन मिल रहा था, तो मैंने एडमिशन ले लिया उसमें। उसके बाद हम लोग को मंथन बैच में ज़ियाद सर ने पढ़ाया, और ज़ियाद सर एक मैथमेटिक्स सुधारने का पूरा क्रेडिट उनको जाता है, बिकॉज ज़ियाद सर ने बहुत अच्छी तरह से मैथ्स पढ़ाई थी। और उसके बाद हम लोग को इक्लव 3 में डाल दिया गया था, इक्लव 4 में। फिर मैं करता गया प्रिपरेशन अपनी करता गया, लेकिन बीच में मैं ट्यूशंस पढ़ाता था, क्योंकि मेरे पास घर में इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, तो शायद ट्यूशंस पढ़ाता था मैं डेली 2 आवर्स के, 2 या 2.5 आवर ऐसे हो ही जाता था डेली। उसके बाद मुझे एक क्लासेस अटेंड करता था उसके बाद, और मॉड्यूल्स करता था, और जितना टाइम बचता था इसमें मैं खुद की अलग से प्रैक्टिस करता था, मॉक देता जो भी था, और ट्यूशंस पढ़ाता था। उसके बाद मेंस हुआ, मेंस में मेरे 97.8% आए, एंड 20,000 में मेरी कोई मेंस की रैंक थी। उसके बाद मैं बिल्कुल अनश्योर था कि मेरा एडवांस नहीं होगा, जबकि मैंने प्रिपेयर किया था एडवांस के लिए, बट मैं श्योर नहीं था कि मेरा एडवांस होगा। और नेक्स्ट अटैम्प्ट में एक मेरी ईजी शिफ्ट आ गई थी, तो मार्क्स बढ़े थे लेकिन परसेंटाइल उससे भी कम हो गए थे। उसके बाद एडवांस के लिए प्रिपेयर किया मैंने, वेदांतु के मॉक टेस्ट देता था, एक्सेलेंट लेवल के थे इक्लव के मॉक टेस्ट। और उसके बाद मेरी ऑल इंडिया रैंक आई 10,991, मेरी लास्ट ईयर एडवांस में रैंक थी 24,000, तो कोई बहुत मतलब बड़ा जंप नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी जंप है मुझे इस रैंक पे IIT गुवाहाटी मिल जाएगा, जो कि मेरा ड्रीम कॉलेज था। तो थैंक्स विकास सर फॉर योर सब, थैंक्स पूरी क्लब टीम को फॉर योर इमेंस हार्डवर्क, एंड स्पेशली मंथन अल्फा बैच की टीम को भी।